मारती जो मुझे सबूत दी थी वो चीजें मैंने दीदी को दिखा भी दिया और दे भी दिया, तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि मारती प्रताड़ित हो रही थी। और दोस्तों मैंने वो वीडियो इसलिए पब्लिश नहीं किया था क्योंकि मारती मेरे तीनों बच्चों का कसम खिलाई थी, पहली बात, और दूसरी बात ये थी कि मैं उस समय नाइटी में थी और मेरा कपड़ा सही नहीं था, ठीक है। मेरे जो प्राइवेट कुछ मतलब चीजें हैं जो उसमें हल्का फुल्का दिख रही हैं, तो ये चीजें मैं आप लोग से बता दूं, मैं हमेशा से अश्लील के खिलाफ हूँ। एक बार भाभी बता दो कि उसके जो हस्बैंड है किस थाने में तैनात है और क्या नाम है, सभी लोग पूछ रहे हैं लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। और यही चीज मैं देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने का हमारा कोई मंतव्य नहीं था, मंतव्य ये चीज था कि दूध का दूध और पानी का पानी करना बहुत जरूरी था। जो लोग कह रहे थे कि गोरखपुरिया भौजी जो है पल पल की रिपोर्ट दे करके 10 लाख 20 लाख कमा ली है, तो हम उनसे बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे दीदी आई हुई है, बैठी है, इनको मैंने अपना सारा रिवेन्यू दिखाया है, इस महीने का छोड़ करके पिछले महीने का रिवेन्यू, उससे जो इस रिवेन्यू इस महीने में जो बना है इससे 2 गुना 3 गुना का रिवेन्यू पीछे वाला है। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि मैंने मदद भी किया और बोनस में गाली भी खाया। तो इससे ये सीख मिलती है कि अगर आप एक महिला हैं तो आप दूसरी महिला का अगर मदद करती हैं तो क्यों इन लोगों को मिर्ची लगती है, क्यों, अगर कोई आकर के साथ नहीं दे सकता तो आवाज भी नहीं उठा सकता। देखिए भैया, जितने मीडिया कर्मी यूट्यूबर ब्लॉगर है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, अपने रेवेन्यू, अपने पैसों के चक्कर में, अपने टीआरपी के चक्कर में, अपने व्यूज के चक्कर में हम महिलाओं का मिसयूज नहीं करें। अभी और बीना दीदी के पास जो भी लोग गए थे इंटरव्यू लेने, बीना दीदी ने मेरे बारे में कुछ नहीं बोला था, ठीक है, लेकिन टाइटल और थंबल क्या आता है कि गोरखपुरिया भौजी निकली कातिल, उसके खिलाफ बीना मानवी जी करेंगी FIR, जबकि बीना मानवी जी ऐसा कुछ नहीं है, बीना मानवी जी ऐसा बोल ही नहीं सकती है, तो जबकि बीना दीदी FIR के लिए हेडिंग लुक डाल कुछ बोल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि गोरखपुरिया का जब नाम आएगा तो नाम जो जो चैनल है एकदम ऐसे जाएगा। आपके नाम को कैश करके वो अपना TRP बना रहे हैं, तो ये चीज मैं गलत है। देखिए मैं आप भाई बंधुओं से निवेदन करती हूँ, कोई पॉजिटिव साइंस सकारात्मक सोच की तरफ से पैसा वही कमाइए जो आपके घर परिवार के लिए अच्छे कामों में यूज होगा। अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाएंगे तो अपने घर में मालती जैसे केस ही उदाहरण के तौर पर रह जाएंगे, और गलत तरीके से पैसा कमाएंगे आपको गलत ही देगा, अच्छा नहीं देगा। एक चीज बीना दीदी और बोली थी कि चलो लड़का है, गाली दे दिया, उसका क्या बात है, लेकिन लेडीज होकर के उसको गाली नहीं देना चाहिए। हम कहते हैं, हम पूछते हैं, बीना दीदी से पूछते हैं कि अगर लड़का करे तो रासलीला और वही लड़की करे तो करेक्टर ढीला, देखिए कहाँ से बात हो। मैं बता रही, इसका आंसर मैं दे रही हूँ, ये पुरुष प्रधान देश है, आज भी मैं बहुत सशक्त हूँ, बिजनेस एंटरप्रेन्योर वुमन हूँ, लेकिन फिर भी आज अपने घर के अंदर हाँ जी सुन रहे हैं, हाँ जी खाएंगे, आदमी क्या कहता है, नहीं खाऊंगा, जाओ, डर के मारे कहते हैं अच्छा मत खाइए, तो वो तो फिर ये पुरुष प्यार और इज्जत है, सुनिए वो प्यार इज्जत है, कई चीजों में हस्बैंड वाइफ के अंदर भी बहुत दबाव आ जाता है, तो थोड़ा सा हमें 80% ये लेके चलना चाहिए कि ये पुरुष प्रधान देश है, तो कहीं ना कहीं जो वैमनस्यता है और जो रेशियो है पुरुषों की ज्यादा है, हम तो देता है तो रासलीला में नहीं आता है, लेडीज अगर गाली दे देती है, महिला गाली दे देती है तो वो रासलीला में क्रिएट हो जाता है। तो ये चीजें, इसी चीज को तो हम लोगों को बदलना है। आज इस देश में एक महिला पायलट बन रही है, एक महिला जज बन रही है, एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर बन रही है, CEO, DM, हर एक चीज बन रही है एक महिला। तो हम पूछते हैं, किसी बात में जब महिला पुलिस से पीछे नहीं है तो हर चीज के लिए महिला को क्यों बलिदान देना पड़ता है, उसी को क्यों अग्नि परीक्षा देना पड़ता है। एक महिला अगर घर में जन्म लेती है, एक बेटी जन्म लेती है, तो क्या उसी दिन उसका भविष्य लिख दिया जाता है कि ये महिला है हर सबके नीचे दबके रहेगी, ये क्या सही है। हमारी 3 बेटियां, हमारे बेटे नहीं है, ठीक है, तो आगे वाले समय में आने के बाद मेरे बेटे नहीं है, लेकिन यही चीज उनके साथ भी अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो मैं तो उसमें की माँ नहीं है जो बर्दाश्त कर लूं, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए मरती हूँ मिटती हूँ, अपने मेरे जिंदगी है मेरे बच्चे, हर कोई आप ही के नहीं है, मेरे बच्चे हमारे लिए। आपको शायद मेरे बारे में नहीं पता होगा, मैं बता दूं, एक ऐसा समय था जब मेरे घर में खाने को रोटी नहीं था, और लॉकडाउन में मेरी जो सबसे छोटी वाली बेटी है, एक बार मेरे से पैसा मांगी 5 रुपया, दिन भर में मेरी छोटी वाली बेटी 500 रुपया, मतलब तीनों बच्चों का खर्चा 500 रुपया है, ठीक है, लेकिन मेरी नहीं था उस समय, देखिए, और उस समय मम्मी ने क्या किया ये भी सुन लीजिए, उस समय लॉकडाउन में दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते हैं
मैं चाय और पकौड़ी का बिजनेस खोली अपने खुद के घर में। आपको सिचुएशन ने सशक्त बना दिया। मैं भी अपने वो लॉकडाउन का तो बहुत अच्छा है कि जिन्होंने घर में यही सिर्फ नहीं किया मैंने, यही सिर्फ नहीं किया मैंने, मैं जब से अपने मतलब हस्बैंड के पास आई हूँ जब से तब से हर एक संघर्षों का मैं पालन करती आई हूँ, हर संघर्ष से लड़ना जानती हूँ, हर परिस्थिति से मैं गुजर चुकी हूँ। मेरे पास एक ऐसा समय था कि जब रोटी घर में खाने को नहीं थी, आज वो समय है कि मैं 10 लोगों को अकेले अपने पावर पे अपने दम पे बैठा के खिला सकती हूँ। और जिस दिन मेरी बेटी ये बात बोली मेरा आंख डबडिया गया, क्योंकि मेरे बच्चे लोग जो है हीरो की तरह जिए हैं, किसी चीज का मैंने कमी नहीं। हम दोनों परानी बिना खाए सो जाते थे लेकिन अपने बच्चों के लिए कभी कमी नहीं करते। देखिए देखिए रिद्धिमा, मैं यही चीज मैं बोल सॉरी रिंकी यही चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण अपने आप में आती है। अगर आप खुद सेल्फ स्वावलंबी बनना है तो अपने घर से शुरुआत करिए। अगर आप अंदर से स्ट्रांग है तो आप किसी भी काम में पीछे हो ही नहीं सकती। आज आपकी टीआरपी आपकी वैल्यू जितनी है कि लोग ने इस महीने आपकी कम आए हैं रेवेन्यू, क्यों? क्योंकि आपकी टीआरपी इतनी स्ट्रांग है। तो वो स्ट्रांगनेस ही आपकी विजय है। जरूरी नहीं कि वो पैसे को कैश करके किया जाए। आपसे लोग डरते भी तो है, क्यों? क्योंकि आपकी टीआरपी बहुत स्ट्रांग है। मेरी जो मैंने जो किया है अभी 1 रुपया यूट्यूब से आया नहीं है। मान लीजिए वीडियो तो इस महीने में बनी है, पेमेंट अगले महीने आएगा। 1 रुपया उस वीडियो से मेरे पास अभी आया नहीं है, वो अभी अंदर ही है मतलब चैनल पे ही है, वो अगले महीने 28 तारीख को रिलीज होगा। जो भी मैंने मदद किया है, मान के चलिए मालती चौहान के मैटर में मैंने 25 से 30 हजार रुपया लगाया है, ठीक है? अगर वो पैसा मैं अपने घर से नहीं देती तो क्या कोई और देने वाला खड़ा था? देखिए ये आपका बिजनेस है, है? ये आपका बिजनेस, मेरा बिजनेस। एक बात जो लोग कह रहे हैं कि हर पल पल की वीडियो बनाती है, एक बात बताइए, यही मेरी रोजी रोटी है। ये मैं बनाऊंगी नहीं तो मैं कहाँ से दूंगी? ये घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो घोड़ा खाएगा क्या? लकड़ी? लकड़ी नहीं खाता है कभी, वो घास ही खाता है, ठीक है? तो ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा खाने का रोजी रोटी है, और इस पे कोई उंगली उठाएगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई किसी के पेट पर लात मारता है तो उसको भगवान भी नहीं बख्शते हैं। करेक्ट, ठीक है? और एक महिला होने के नाते एक चीज आप लोग सब लोग सुन लीजिए, एक महिला है तो आप मेरी जो आवाज है उसको दबा नहीं सकते हैं। इसके लिए चाहे मेरा कोई सपोर्ट करे चाहे ना करे। मुझे आप बताइए कि हावी होती है कि नहीं होती है? नहीं नहीं, झगड़ा करती हो? नहीं नहीं, हम देखिए हम लोग का झगड़ा भी होता नहीं, जी, जो इनका लैंग्वेज है वो लैंग्वेज मुझे लगता है दिखता है बाहर में नहीं, बाहर में। अच्छा, सभी जानते हैं हमने अपने सही का पुरुष प्रधान देखा है। ऐसा है ना, वीडियो में कुछ और रियल लाइफ में इनका कुछ और नेचर है। आप मत समझिए रिंकी, जो मैंने आपको प्रस्ताव दिया है कि आप मेरे गोरखपुर को संभालेंगी कि नहीं? हाँ, गोरखपुर को संभालेंगे लेकिन किसी पद से नहीं, अपने खुद के दम पे। अच्छा, आपके आप साथ रहेंगे? अच्छा, मतलब मैं आपके सपोर्ट में रहेंगे। तो मेरे सपोर्ट तो यही होगा कि आप यहाँ पे अगर अध्यक्ष, आप जहाँ मुझे बुलाएंगी मैं आने के लिए रेडी हूँ। तो क्या उससे क्या अगर मेरे आप वो जिला अध्यक्ष? अभी तो अभी सवाल उठ जाएगा कि सारा नाटक ये अध्यक्ष बनने के लिए कर रही है। अरे या अध्यक्ष खुद चल के आ रहा है, अध्यक्ष खुद चल के आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दीदी मेरे को ये देखिए लगा दी है बैच और बोल रही है कब आप शपथ ग्रहण कर रही है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या इस पे आप लोग हैं मेरे फैमिली हैं आप, इसलिए आपको शेयर किया जा रहा है ये वीडियो। आप लोग खुद बताइए कि मैं ये चीज एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं, क्योंकि कभी बिना मर्जी से अपने काम नहीं करती हूं। आप लोगों से पूछ लेती हूं तभी करती हूं। मालती केस में भी आप लोगों से पूछ करके उसमें हाथ बढ़ाया था और तभी आज मैं सक्सेस हूँ। जो लोग उंगली उठा रहे हैं भोक रहे हैं, आप लोग मेरे साथ खड़े हैं तब मैं इतना विजयी घोषित हो रही हूँ, हर जगह से निकल जा रही हूँ। और जो वहाँ शमशान घाट पे बहुत बड़ी बात बीना दीदी बोली कल, वो फातिमा मैम जो थी वो बोल रही है कि तुम लोग का माइक कमजोर पड़ गया था, चप्पल उठा के काहे नहीं उसको मारे, हमको मारने की बात की है फातिमा जी। तो हम उनसे कहना चाहते हैं, वहाँ हम इंटरव्यू देने नहीं गए थे, वहाँ पर अगर मालती चौहान के बच्चे को मैं नहीं लेके जाती ना तो किसी माई के लाल में इतना दम नहीं था, इतना औकात नहीं था कि उसके बच्चे से मुखाग्नि दिलवा दे, क्योंकि उसके घर पे जाने से लोग डरते थे। और मैं अपने खुद की गाड़ी से गई, लड़ी झगड़ी, नहीं दिया उन लोगों ने मेरा बच्चा। देखिए इसके अंदर, और उसके बाद पुलिस प्रशासन, सुन लीजिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, फाइमा जी ने अगर वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला विकास मंच की बहुत स्ट्रांग और एक्सपीरियंस लेडी है और उनके तीन तीन उनसे बच्चों से बता दीजिए, एक मिनट पहले सुन लीजिए, एज में मेरे से बहुत बड़ी है, पद में भी है, तो
तो फातिमा दीदी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप जो भी वाइट दे रही हैं आप उस वाइट को ध्यान में रख करके वाइट दीजिए। पहले सुन लीजिए मेरी बात। वो एक्सपीरियंस में और उम्र में और औहदे में उनके 3 बच्चों की शादी हो गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो हमसे इतनी सीनियर लेडी और इतना वही बोली थी लकड़ी वाली, अरे सुनो तो स्ट्रांग लेडी है। अगर उन्होंने कोई चीज कोई धारणा उनके सामने अगर आती है जो पहला आउटफ्रेम आपका बना हुआ था उस आधार पे उन्होंने जानने के बाद भी उन्होंने ऐसा किया, सुन लीजिए आधार पे उस आधार पे उन्होंने बाइट दिया तो उन्हीं के आधार पे तो बाइट चेंज हुआ है। देखिए हो सकता है वो भी इंसान है, अगर उनसे कोई गलती त्रुटि हुई है तो उसकी जगह मैं आपसे क्षमा क्यों ऐसा मत करिए। मेरी वो एजेंट मेरे से वो आप एजेंट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप माफी मांगिए, मैं उनसे बस आप सुनिए छोटी सिस्टर बन के मैं बोल रही हूँ। हो सकता है आप मेरे से बड़ी हो, औहदे में बड़ी हो, पद में बड़ी हो, हर चीज में बड़ी हो, लेकिन आप मैडम जब कुछ बोलती है ना तो आप भूल जाती है कि आप क्या बोल रही हैं। नहीं हो सकता है कि उनको नॉलेज मतलब जो उनके पास जो मैसेज गया है जानकारी गई है वो गलत गई होगी, उस आधार पे उन्होंने दिया होगा। मैं अगर उनको अगर सही चीजें सत्यापित अगर नहीं मिली होती तो वो कभी इस तरीके का नहीं बोलती। मैं भी कल तक आपके लिए बहुत 80% गलत थी, आप मेरे लिए गलत थी। यहाँ आने से पहले राजवीर भैया जो मेरे साथ मेरे कजन आए हैं वो मुझसे बोले भाभी आप कहाँ जा रही हैं मिलने के लिए, मैंने कहा उनके पास जा रही हूँ, कह रहे कि भाभी आप वो उनसे मिलने जा रही हैं। तो यानी उनके नजर में भी कहीं ना कहीं, जबकि वो आपके बहुत अच्छे फैन फॉलोवर हैं, वो मतलब हमेशा देखते रहते हैं, तो कह रहे आप उनसे मिलने जा रही है, तो उनकी नजर में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव व्यूज था। अब यहाँ से जाने के बाद जैसे मेरे चेंज हुआ है वैसे उनको भी चेंज हुआ होगा, इसी तरीके से फाइमा जी के पास जो मैसेज गया होगा उसी के आधार पर उन्होंने कुछ कहा होगा, लेकिन वो गलत नहीं है। हो सकता है कि अब मेरे अब इस बयान के बाद उनके व्यूज चेंज हो जाएंगे। पुलिस प्रशासन जो है कभी भी कोई काम करती है तो बिना छानबीन किए नहीं करती है। अभी पुलिस प्रशासन के पास मालती चौहान का केस गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुका है। पुलिस प्रशासन अगर चाहती तो जितने जितने लोगों का नाम FIR में दर्ज हुआ बात है मैं मानती हूँ, ये बात मैं मानती जितना दर्ज हुआ है पुलिस अभी धर दबोच के तुरंत बंद कर रही है, लेकिन पुलिस का पुलिस भी अपना काम सोच समझ के कर रही है क्योंकि उसके ऊपर भी उंगली उठ सकती है, प्रेशर है, उंगली उठ सकती है। तो जो इसमें नाम आ रहा है अर्जुन का नाम आ रहा है, राहुल चौरसिया का नाम आ रहा है, राधिका राज का नाम आ रहा है, पोस्टमार्टम में क्या आया है, क्या है पोस्टमार्टम में अभी कुछ मुझे जानकारी नहीं है, बस ये हो रहा है कि दम घुटने की वजह से मौत हुई है। लेकिन जो जब फसरी लगाया जाता है दोस्तों तो गले की जो नस होती है हड्डी होती है 2 से 3 हड्डी टूटती है, जबकि उस रिपोर्ट में शायद नहीं कह सकते, रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं, रिपोर्ट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती दोस्तों, बस इतना जान लीजिए कि उसका दम घुटने से मौत हुआ है। और ये चीजें आगे चल के हमारे जो ये सचिव प्रभारी हैं मौली थाना के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सर मैं आपसे आने वाली थी मिलने के लिए लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं आ पा रही हूँ, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर एक मालती चौहान मरी है तो आप लोग ऐसा सशक्त कानून बनाइए कि दूसरी मालती चौहान ना मरे। एग्जैक्टली सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। चलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बस आप लोगों को ये चीज जो मेरे पास विष्णु राज और मालती जो मुझे सबूत दी थी वो चीजें मैंने दीदी को दिखा भी दिया और दे भी दिया, तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि मालती प्रताड़ित हो रही थी। और दोस्तों मैंने वो वीडियो इसलिए पब्लिश नहीं किया था क्योंकि मालती मेरे 3 बच्चों का कसम खिलाई थी पहली बात, और दूसरी बात ये थी कि मैं उस समय नाइटी में थी और मेरा कपड़ा सही नहीं था, ठीक है, मेरे जो प्राइवेट कुछ मतलब चीजें हैं जो उसमें हल्का फुल्का दिख रही हैं, तो ये चीजें मैं आप लोग से बता दूं, मैं हमेशा से अश्लील के खिलाफ हूँ। क्या दूध पिलाते वाला वीडियो देखी है मेरा? नहीं, वो मैंने नहीं देखा। साया उठाने वाला वो भी नहीं देखा, लीला चल रहा है तो कहीं ना कहीं कैमरा चलते ही इंसान सोचता है कि मैंने कितनी बार आपने मुझे देखा होगा, हाथ ऐसे रखते हुए, खुदा ना खास्ता दुपट्टा मेरा इधर है क्योंकि कमरे में गर्मी है तो ऐसे रखा है, तो कहीं ना कहीं चीजों को प्रेजेंट नहीं किया क्योंकि एक मर्यादित और सम्मानित बिल्कुल होते हैं। तो मैं आपसे रिंकी जी यही एक रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि आप जो भी वीडियो बनाती हैं अच्छा बनाती हैं, वो आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, बस इन सब चीजों पे ध्यान रखिए क्योंकि
क्योंकि अगर कहीं ना कहीं जो आपने मुझे दो वीडियो दिखाया है उसको आप अपलोड करेंगी तो कहीं ना कहीं उस ड्रेस में आप ट्रोल हो जाएंगे, ट्रोल हो जाएंगे। तो इस वजह से जब वो वीडियो सत्यापित के लिए आपके सबूत का काम करेगी तो कैसे आप उसको सबमिट करेंगी। तो इसीलिए तो मैंने इस बात को सामने नहीं किया, इसीलिए तो मैं बिना दीदी से इस बात का बात किया। उस समय सिचुएशन कुछ और था, 12-10-11 बज रहा था, रात में आदमी सोया रहता है तो कैसे उसका कपड़ा रहता है नाइट करना, तो हमको नहीं ना वो वीडियो पब्लिक करना था, हमको नहीं ना मुझे थोड़ी पता था कि मालती कल को मर जाएगी और मुझे सबूत देना पड़ सकता है, ये नहीं ना पता था मुझे। जिस दिन ये बात मुझे अगर पता चली होती तो मैं खुद, अब दूसरी वीडियो जो आप देख रहे हैं उसमें मैं साड़ी पहन रही हूँ, वो भी वीडियो उसी समय देख रही है ना, मैं उस समय दोस्तों साड़ी पहन रही थी जो दूसरी वीडियो, इसलिए दोस्तों मैं वीडियो पब्लिश नहीं की। और मैं यही सोची थी कि किसी बड़े पद अधिकारी को मैं ये वीडियो दूंगी जो भी, जो कि मैं आपको उस वीडियो का अपलोड करने का तरीका बताऊंगी जिसकी वजह से आप जो चीज दिख रही है नहीं अपलोड तो कट जाएगा, धुंधला कर देंगे, धुंधला या स्टिकर कर सकते हैं, धुंधला कर देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं आपसे यही करवद निवेदन करती हूँ कि जितनी भी महिलाएं या जितने भी पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं उसके अंदर मैं आपसे निवेदन करती हूं, कोई भी ब्लॉगिंग, कोई भी आप इंटरव्यू देते हैं, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें, मर्यादित ड्रेस का प्रयोग करें, मर्यादित भाषा का प्रयोग करें और साथ में समाज में महिलाओं के उत्थान में कार्य करें। टीआरपी के चक्कर में अपने अंदर की भड़ास जो आपके बिजनेस में आगे बढ़ाती है, व्यूज बढ़ाती है, उसमें आप ऐसा काम ना करें जिससे अंदर महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश करें या समाज में अपर मैसेज गलत कंडक्ट हो और अभद्र भाषा का प्रयोग हो। तो कोई भी, सभी यूट्यूबर से ये निवेदन है कि कोई भी काम करना, कोई भी बिजनेस करना एक अच्छे मन और अच्छे सुविचार के साथ करें। धन्यवाद। धन्यवाद महिला विकास मंच उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नीतू अनीता जायसवाल।